बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एपिमरीकरण क्या है। एपिमरीकरण पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि एपिमराइजेशन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। एपिमरीकरण या एपिमराइजेशन यानी कि एपिमर का बनना, एपिमर का बनना क्या कहलाता है आपका, एपिमराइजेशन या एपिमरीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन, क्या ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, ग्लूकोज का किसमें परिवर्तन, मैनोज में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, एपिमराइजेशन। ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, एपिमराइजेशन या आपका एपिमरीकरण कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा आपका, मैनोज में बदल जाएगा, ठीक है। जो भी जो एक प्रकार का क्या है एपिमर है आपका, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, एपिमरीकरण या एपिमराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एपिमराइजेशन की, एपिमराइजेशन क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है। कह रहा है दे एंडोज जो फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। कौन, दे एंडोज जो फिनाइल हाइड्राजिन क्या होता है, C6H5 NH2 के साथ समान ओसा जोन बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, समान ओसा जोन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ओसा जोन क्या होता है, ओसा जोन मतलब आपका क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे आपका NH और NHPH लगा होगा, और दूसरे कार्बन पर भी आपका NH NPH लगा होगा, ठीक है, NH NPH। तो ये क्या होता है, इस तरह की जो संरचना आपकी बनती है, बाकी आपका सेम रहेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपका होता ओसा जोन, क्या होता है, ओसा जोन कहलाता है, ठीक है। ये लग गया आपका फिनाइल हाइड्राजिन, क्या लग गया आपका, फिनाइल हाइड्रोजन, जो भी आपका क्या था C6H5 और NH और NH2, ठीक है। ये था आपका PH यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन, जो कि यहाँ कार्बन पे और यहाँ कार्बन पे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो कार्बन पे लग जाएगा, तो इसको ये क्या बनेगा आपका, ऊसा जोन बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या कह रहा है भाई, एल्डिहाइड जो फिनाइल हाइड्रोजन, किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन जो कि C6H5 NH2 के साथ समान ओसा जोन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, समान ओसा जोन आपके बनाते हैं, कह रहा है उसके सभी असममित कार्बन का, ठीक है, कहते सभी असममित कार्बन, ठीक है, कहते कार्बन असिमेट्रिक, सभी असिमेट्रिक कार्बन का अभिविन्यास समान होता है, बाकी इसके जो असिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनका अभिविन्यास या कॉन्फिगरेशन आपका कैसा रहता है, सिर्फ एक तारांकित कार्बन को छोड़कर, किसको, एक तारांकित या स्टार वाले कार्बन को छोड़कर, ठीक है, जिस कार्बन पे आपका स्टार लगा होगा उस वाले कार्बन को छोड़कर। तो यहाँ इस वाले कार्बन पे लगा है, इस कार्बन को छोड़ दो, कह रहा है ऐसी शुगर एपिमर्स कहलाती है, तो इस प्रकार की जो आपकी शुगर होती है, शर्कराएं होती है, वो आपकी एपिमर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्लूकोज से हमें मैनोज बनाना है, ग्लूकोज से मैनोज बनाना है, और वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, एपिमराइजेशन। तो ये क्या है आपका, ये है आपका ग्लूकोज, क्या है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक। तो ये क्या है आपका, स्टार वाला कार्बन है, ऐसा कार्बन है आपका स्टार वाला, इस कार्बन को क्या करना, छोड़ देना है, बाकी जितने कार्बन है आपके उनका विन्यास कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, इस पे लगा है OH, बाकी इस पे आपका CHOH का होल तरह, यानी कि ये जो CHOH है ये आपका कितनी बार लिखा है, तीन बार लिखा है, ठीक है, CHOH और आपका CH2OH और आपका CH2OH, कितनी बार लिखा है, तीन बार, CH2OH होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक आपका ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 और 3 4 और 5, ठीक है, पांच
पांच OH ग्रुप जो है इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या होगा ये आपका ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया अभी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या क्या करना है अभी, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन करने पर हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, यानी ग्लूकोनिक एसिड यानी कि जो सी एच ओ ग्रुप होता है, क्या होता है आपका सी एच ओ ग्रुप होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एच डी बना लेता है। क्या बना लेता है, सी एच ओ सी डब्ल्यू एच ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी जी। ठीक है, ये स्टार इस वाले कार्बन पे आपका स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन प्रिडीन की उपस्थिति में कर देनी है। इसके साथ प्रिडीन, प्रिडीन की उपस्थिति में जो है इसकी रिएक्शन आपको कर देनी है। जब प्रिडीन की उपस्थिति में करोगे तो क्या होगा, तो ये जो आपका OH क्या है, जो आपका OH है, ठीक है, OH किधर है आपका राइट हैंड साइड है। प्रिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर आपका OH किधर आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। केवल किसमें इतना ही परिवर्तन हुआ। ठीक है, कार्बन कितना है, 1, 2 और 3, 3 कार्बन ये और एक कार्बन ये, 1, 2 और 3, 5 और 1 कितने हो, 6 कार्बन हो गए। बाकी आपका सेम झुकत क्यों है, फर्क कितना पड़ा है, प्रिडीन की उपस्थिति में आपका जो OH कार्बन से आपका राइट हैंड साइड लगा हुआ था वो OH कन्वर्ट होकर आपका लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गया है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मेनोनिक एसिड। क्या कहते हैं, मेनोनिक, आपने सोडियम और मरकरी के साथ में कर देनी है। इसके साथ में सोडियम और मरकरी के साथ में कर देनी है, तो इसमें से कुछ वाटर भी जो है आपका बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, एक सी एच टू ओ एच ग्रुप आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, माइनस एक सी एच टू ग्रुप आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ से जो है खत्म हो जाएगा। अब कार्बन कितने बचते हैं आपके पास, 5 कार्बन बचते हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन, ये बचते हो 4 और ये 5। अभी हमें क्या मिल गया, 5 कार्बन वाला एक शुगर मिल गया। क्या मिल गया, 5 कार्बन वाला हमें एक शुगर मिल गया, और इसी शुगर को हम क्या कहते हैं, इसी शुगर को हम मैनोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैनोज के नाम से। तो हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में पढ़ा था, मैनोज में। मैनोज जो कि एक प्रकार का क्या है, शुगर है। क्या है, एपिमरीकरण या एपिमराइजेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज का परिवर्तन किस में हो गया, भी मैनोज में हो गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, यह पूरी प्रक्रिया या पूरी क्रिया विधि आपकी क्या कहलाती है, एपिमरीकरण या एपिमराइजेशन कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।